साल से बन रहा है। छः साल से बन रहा है, आप समझ लीजिए करोड़ों का ऊपर खर्चा हुआ। करोड़ों का आप समझ लीजिए, करोड़ एक मंदिर की लागत करोड़ रुपया हो चुकी है। आज की ब्लॉग एक बहुत ही शानदार ब्लॉग है, क्योंकि मेरे पीछे मंदिर देख रख सकते हैं कि मंदिर बन चुकी है, क्योंकि मेरे गांव के चर्चे में है। सो गाइस, मैं बहुत लेट हो गया हूँ वीडियो अपलोड करने में, 5-6 दिन हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ पर्सनल कामों में बिजी था। आज मैं दिखाता हूँ इस मंदिर की गाथाएँ, क्योंकि हमारे गाँव की तरफ डिस्ट्रिक्ट में चर्चा है इस मंदिर की, क्योंकि ये मिलियन की लागत में बनी है मंदिर। आज मैं दिखाता हूँ आपको, दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं। मैं पहुंच चुका हूं, तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे बहुत बड़ी मंदिर है, मेरे पीछे भी है, कैमरे में एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो मैं दिखा देता हूं आपको, क्योंकि बहुत धूप तेज़ है तो मैं ठीक से यहां पे कवर नहीं कर सकता। बट आज आपको मैं दिखाऊंगा कि मंदिर की मिलियनों की व्यू में बनी है, क्योंकि मिलियन की लागत कम नहीं होती है, 10 लाख 1 मिलियन होती है। अब पता नहीं कितने मिलियन में बनी है, सो आपको मैं दिखाऊँगा। ये मेरे पीछे यहाँ पे चैत की महीने में, जैसे समझ लीजिए हम जून में, कि ये इसमें पूजा होती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा पूरे व्यू, आज ये मेरे पीछे है, मैं आपको यहाँ की साइड मिरर, यहाँ पे चारों तरफ देख सकते हैं आप। चलो दिखाते हैं अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, मैं आ गया हूँ, मेरे पीछे यहाँ पे फर्स्ट आप देख सकते हैं, ये रही मंदिर। एंड यहाँ पे पत्थर जो लगी है, कहा गया है कि राजस्थान से मंगाया गया है, सो ये कंफर्म नहीं हुआ कि राजस्थान से मंगाया गया, लेकिन यहाँ की स्टील आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टील वगैरह, पत्थर एवं मार्बल वगैरह बहुत पहले से, ये साल 4-5 साल से ये कंस्ट्रक्शन चालू है, बट आज कंप्लीट हो गया, कि इससे पहले कंप्लीट हो चुका है इस दुर्गा पूजा में। बट आज मैं दिखाऊंगा आपको ये भव्य मंदिर, जो गांव की डिस्ट्रिक्ट में चर्चे रहता है, इस मंदिर की मिलियनों की लागत में बनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, चलो लेट्स गेट इट। इतनी बड़ी मंदिर होने से लिए मैं दूर से आया हूँ, आप देख सकते हैं बहुत बहुत लंबी है, क्योंकि बहुत 2-3 किलोमीटर के अंदर 4 किलोमीटर बहुत दूर से दिखाई देता है। एंड आसपास की ये नज़ारे, यहाँ पे बहुत मेले वगैरह सेलिब्रेट किए जाते हैं, बहुत चारों तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मेले होते हैं, इसलिए मेरे आवाज़ यार ये बहुत गाने की है, मैं बता रहा हूँ। आसपास में शादी है, सो बहुत सारी है, तो मैं आपको अंदर जाके दिखा देता हूँ। ये अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि गेट लगी है, इतनी बड़ी मंदिर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गेट तो सुरक्षा होना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतनी बड़ी मंदिर है, क्योंकि यहाँ पे गेट वगैरह आप हर साल आ सकते हैं, अप्रैल मई के महीने में। और ये बात कह सकता हूँ कि ये पीछे बहुत बड़ी मंदिर है, कतई जहर है भाई, ये तो मैं समझ रखा हूँ। एंड देख, मंदिर की व्यू नहीं देख रहा है, पर क्या करूँ, शायद मैं अंदर नहीं जा सकता, आपको मैं चारों तरफ दिखा सकता हूँ, बहुत ऊपर तक लगी है। आज मैं आसपास के यहाँ के नज़ारे, आसपास के नज़ारे पीछे भी देख सकते हैं, पीछे ही ऐसे व्यू है, तो समझ लीजिए आगे कितने व्यू होंगे, आज मैं आपको दिखाऊंगा। एंड ये रही इनकी कार्यकार के ऑफिस, जो यहाँ पे ऑफिस में काम करते हैं, जो मंदिर की देखभाल करते हैं, सो देख ही सकते हैं पीछे कितने फैसिलिटी दिए हैं। एंड देख सकते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो बनेगी, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ी है, तो गाइस सपोर्ट करना, बीच बीच में सब्सक्राइब कर देना।
और लाइक की जरूर बटन दबाना, और नहीं करना है तो कोई बात नहीं, जाने देना, आगे बढ़ना कोई भी। एंड पीछे ये मैं पीछे आ गया हूँ, ये भी देख सकते हैं, बहुत धूप था तो मैं पसीने थोड़ा गर्मी के चक्कर में, ये देख सकते हैं आप, बहुत बहुत सारी मंदिर हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं यहाँ जा रहे हैं कि मंदिर की लागत में दिखा देता हूँ आपको। आगे की तरफ दिखाता हूँ, आगे के कैमरे की तरफ, यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छा व्यू आ रहा है। और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे आसपास के बहुत सारे मेले वगैरह लगते हैं, कि यहाँ पे समझ लीजिए 10-15 किलोमीटर अंदर ये मंदिर की फेमसता हो गई है। और मैं ठीक से आवाज़ नहीं आ पा रहा क्योंकि बगल में शादी है, सो अब मैं दिखाऊंगा आपको पीछे भी बहुत सारी, ये भी अभी बाकी है क्योंकि ये भी मंदिर बनने वाली है, शायद लगता है हनुमान जी की मंदिर बनेगी, ये क्योंकि मैं बगल के चाचा लोग से पूछे हैं तो ये मंदिर हनुमान जी की बनेगी। और मैं अब दिखाऊंगा आपको मेरे पीछे जितने भी ये वाली देखते हैं स्टील के रॉड, हर एक में हनुमान जी के रहते हैं, जब पूजा के टाइम आप देख सकते हैं मूर्तियाँ रहती हैं, हर एक स्टील के रॉड के पीछे मूर्तियाँ रहती है, हर एक माँ भवानी का समझ मंदिर है तो सातों बहनों की यहाँ पे मूर्तियाँ रहती है। यहाँ पे कुछ लोगों हैं सो उनसे पूछते हैं मंदिर कितने दिन से बनी थी, अब कितने दिन हुए हैं, कितने पैसे लगे हैं इसमें, आज मैं आपको पूरी तरह देख बताऊँगा चाचा से। देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ चाचा बैठे हैं, कुछ चाचा जी बैठे हैं, उनसे पूछते हैं चाचा ये मंदिर कते दिन में बना देते, कते दिन कते पैसा लागा देते, कहीं हमें बता देते। इन चाचा से पूछे हैं हमारे मैथिली भाषा में, एक मिनट, इन चाचा से बोलते हैं कि कितने पैसे में खर्चे हुए हैं, कितने दिन लगा है इस समय में, तो मैं आपको बताऊंगा पूरी तरह पूरी मंदिर की हिस्ट्री। अब हम इन चाचा से पूछते हैं कितने पैसे में लगे हैं, कितने दिन लगा है और कितने और दिन लगेंगे, ये मैं बताना चाहूँगा। चाचा जी बोलिए तो आप कितने साल लगे हैं, कितने पैसे लगे हैं, ये भी बता दीजिए आप। ये अभी भी एक साल बाकी है और कह रहे हैं कि एक साल और भी बाकी है, तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप इस मंदिर की अभी ये जैसे जैसे यहाँ से कहाँ से पैसे आते हैं ये मैं मेरे को बता दीजिए। ये सब हमारे ग्रामीण वासियों के सहयोग से बन रहा है, ग्रामीण सबके सहयोग से, ग्रामीण से सहयोग से, चलिए अच्छी बात है ग्रामीण से। ये पत्थर वगैरह आप जो जानते हैं कि ये पत्थर वगैरह बहुत कीमती भी लग रहे हैं, राजस्थान से मंगाए हैं, तो गैस मैं कंफर्म हो गया हूँ कि राजस्थान से ही आए हैं, तो मैं पहले दिन से पूछ रहा हूँ, तो ये मैं गाँव में भी पूछ रहा हूँ कि एक मंदिर का पत्थर कहाँ से आता है, तो यही बताए थे राजस्थान से, आज मैं कन्फर्म हो गया राजस्थान ही से ही आया है। तो गैस आप तो पूरा बात सुन लिया है इनसे, तो गैस ये पीछे ये तो ऑफिस है ना इनका, ये कार्यालय है जहाँ पे ये चाचा लोग बैठे हैं, आप देख सकते हैं मेरे भैया भी हैं आपके। गैस इसकी इस मंदिर की हिस्ट्री ना बहुत ही लॉजिकल है, जो भी आदमी यहाँ पे आते हैं मंदिर की मनोकामना पूरा कर लेते हैं, कि जो भी मांगते हैं इस मंदिर की गाथाएँ ये भी है कि जो भी गाथाएँ इनसे मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। गैस मैं इस ब्लॉग को यही एंड करता हूँ। गैस मैं एक चीज़ अपने पर्सनली बताना चाहता हूँ कि गैस कुछ लोग मेरे को सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, गैस उनसे मैं बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे प्यार देना है तो खोल के प्यार दीजिए, ये 2 दिन के लिए प्यार अपने पास रखिए, कोई बात नहीं, हमें बहुत प्यार मिल चुकी है आप सबसे। और गैस प्यार करना है तो खुल के प्यार करना, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। गैस यदि आपको इस वीडियो को पसंद आई तो सही है, चलो देखते हैं वीडियो को कैसी लगी है, खुल के बताना।